सम्राट किलविश अंधेरा कायम रहे। पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकारनाथ शास्त्री और शक्ति शक्ति शक्तिमान, ये वो शब्द हैं जिसने 90 के दशक में बच्चों को अपना दीवाना बना दिया था, जिसे देखने के लिए बच्चे स्कूल तक बंक कर देते थे। टीवी का ये दौर एक बार फिर लौट आने वाला है, क्योंकि जल्द ही शक्तिमान वर्जन 2.0 घरों में दस्तक देने वाला है। इसके लिए फिल्म अभिनेता मुकेश खन्ना ने पूरी तैयारी कर ली है। शक्तिमान के तौर पर पहले इंडियन सुपर हीरो का किरदार निभाने वाले मुकेश खन्ना आने वाले वक्त में 3 फ्रेंचाइज फिल्मों के जरिए दोबारा इस किरदार को लौटाने के लिए तैयार हैं। 62 साल के फिल्म अभिनेता मुकेश खन्ना ने ट्वीट कर बताया कि अब बात दुनिया को बताने लायक हो गई है कि शक्तिमान दोबारा अवतरित हो रहा है। जी हाँ, शक्तिमान के दोस्तों, अब ऑफिशियली ये बता रहा हूँ कि मैं शक्तिमान 2 लेकर आ रहा हूँ, वो भी टीवी चैनल OTT पर नहीं बल्कि ट्रायलॉजी 3 फिल्म्स के रूप में बड़े पर्दे पर। मुकेश खन्ना ने एक और ट्वीट में बताया, डिटेल्स धीरे धीरे हम डिस्क्लोज करेंगे, फिलहाल इतना बता सकता हूँ कि एक बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ मैंने हाथ मिलाया है इस हिमालय टास्क को अंजाम देने के लिए। कह सकता हूँ कि जो कुछ बनेगा वो इस क्रिश रॉवन से बड़ा होगा और ये शक्तिमान के लिए जायज़ भी है। मुकेश खन्ना ने बताया कि ये मेरे लिए एक सपने के सच होने जैसा है। शक्तिमान भारत का पहला सुपर हीरो था, है और हमेशा रहेगा। मैं खुद भी उस सुपर हीरो सुपर टीचर कहकर बुलाता हूँ, सुपर हीरो का सुपर टीचर खुद को कहकर बुलाता हूँ। मैं खुश हूँ कि हम एक धमाके के साथ दोबारा अपनी वापसी कर रहे हैं। मुकेश खन्ना की इन 3 फिल्मों में से पहले की शूटिंग साल 2021 के दूसरे चरण में होगी, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि एक बार फिर से शक्तिमान लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब होगा। इससे पहले टीवी पर धमाल मचा चुके ब्लॉकबस्टर सीरीज शक्तिमान को साल 1997 से 2005 तक दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया था, जिसमें मुकेश खन्ना शेष भूमिका में थे, यानी वो शक्तिमान बने थे। इतना ही नहीं, लॉकडाउन के दौरान जब रामायण महाभारत जैसे सीरियल्स रीटेलीकास्ट किए जा रहे थे, तो शक्तिमान भी दूरदर्शन पर एक बार फिर से प्रसारित किया गया था। वैसे क्या आप भी अपने बचपन में शक्तिमान के दीवाने रह चुके हैं? अपनी यादों के साथ हमें अपना कमेंट ज़रूर छोड़िए और बताइए कि आपको शक्तिमान 2.0 का कितना इंतज़ार है।